इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में महाराष्ट्र कर्नाटक तनाजा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी महाराष्ट्र में तो कभी कर्नाटक में इस इख्तलाफ को किसी न किसी तरह महसूस किया जा रहा है। शिवसेना की जानिब से कर्नाटक कारोबारियों को दुकानों को बंद रखने का हुक्म दिया गया था, तो बेलगाम में शिवसेना एमएस को तड़ी पार किया जाए इसे मांग भी अक्सर कन्नड़ तंजीमों की जानिब से किया गया। कभी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से तो कभी मराठी तंजीमों की जानिब से एहतजाज जुलूस बंद मोर्चा का ऐलान आए दिन करते देखा जा रहा। लिहाजा आज एक बार फिर कर्नाटक रक्षण वेदी के प्रवीण चेट्टी गिरोह ने आज एहतजाज करते हुए मुतालबा पेश किया कि एमएस और शिवसेना लीडरान और कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र में कन्नड़ तख्तियों को काली पोती की वारदातों की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि यह शिवसेना की जानिब से कहा गया है कि जहां कहीं कन्नड़ परचम नजर आएंगे उन पर मराठी लोग भी कार्रवाई करेंगे। लिहाजा उन्होंने भी कहा कि इनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, थी मांग प्रवीण शेट्टी गिरोह की जानिब से की गई। कन्नड़ साहित्य भवन से निकलकर चन्नम्मा सर्कल में कसीर तादाद में जमा होकर एमएस और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की गई। कन्नड़ रक्षण वेदी के सदर प्रवीण शेट्टी ने कहा कि आए दिन एमएस शिवसेना की जानिब से कन्नड़ तंजीमों को धमकी दी जाती है, लिहाजा इसी के मद्देनजर बेलगाम शहर में एमएस और शिवसेना दफ्तरों पर हमले का शक जाहिर करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। पिछले हफ्ते इसी तरह की वारदात पेश आई थी जिसमें एमएस शिवसेना कारकुनान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। कर्वे की जानिब से कोई और हमला न किया जाए इसलिए काफी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। शिवसेना दफ्तर पर भी पुलिस तैनात की गई थी। प्रवीण शेट्टी गिरोह मराठी तंजीमों के दफ्तरों की तरफ न बढ़े इसलिए इन्हें चन्नम्मा सर्कल में ही गिरफ्तार किया गया। आज से इत्तला के मुताबिक शिवसेना के कारकुनान भी चौकन्ना थे लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई कर माहौल को तनाव में तब्दील होने से बचा लिया, ऐसा भी कहा जा रहा है। साबिक रियासती वजीर रमेश जारकीहोली की मुसीबतों में इजाफा ही होता जा रहा है। एक साथ कई सारी खबरें सीडी मामले को लेकर मंजरेआम पर आ रही है। कुछ दिन पहले सीडी घर लापता होने की फरियाद एपीएमसी पुलिस थाने में लड़की के वालिदैन की जानिब से की गई थी। वहीं दूसरी ओर सीडी घर लापता का मुकदमा अब बेलगाम से बेंगलोर शिफ्ट किया गया। बेलगाम में भी दाखिल फरियाद के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या लड़की बेलगाम से ही है या फिर इसकी साजिश क्या पहले से ही बेलगाम में अंजाम दी गई थी, जैसे सवाल आज भी लाजवाब है। बेलगाम में दाखिल फरियाद पर पुलिस मुहकमा जवाब देने से बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक एसआईटी की जानिब से तहकीक और तफ्तीश की जा रही है। बेंगलोर आरटी नगर के फ्लैट में लड़की के रिहायशगाह पर एसआईटी ने छापामारी करके अहम कागजात दस्तावेजों के साथ तकरीबन 30 लाख रुपए भी बरामद किए जाने की खबर हासिल है। अब जब लड़की ने रमेश जारकीहोली पर इल्जाम लगाया था कि नौकरी के बहाने असमंत रिजिक की गई, लिहाजा 23 लाख रुपए की रकम कहां से आई इसकी तफ्तीश जारी है। पिछली मरतबा दिनेश कलड़ी ने मुकदमा दायर किया था, बाद में इसे पीछे भी लिया था। कहा यह जा रहा था कि फरियाद करने वाली लड़की आगे आकर कुछ कह नहीं रही, पर श्रीगर ने वीडियो के जरिए जान को खतरा होने की बात कही। फिर बेलगाम में भी फरियाद दाखिल की गई, अब इसे आरटी नगर मुलतवी किया गया, पर अब नया केस रमेश जारकीहोली पर दायर किया गया है। सामाजिक खिदमतगार भीमप्पा गड़द ने एक बार फिर साबिक जिले वजीर रमेश जारकीहोली ने नौकरी के बहाने बेबस लड़की की असमत रेजी की है, लिहाजा इस पर फौरी कार्रवाई की मांग की है। एक और कार्रवाई की भी मुकदमा दायर करने की कोशिश हुकूक के खवातीन यानी कि ह्यूमन राइट्स की जानिब से करने की बात हासिल हुई है। एक के बाद एक मुकदमों से रमेश जारकीहोली के सियासी रसूख को खत्म करने की भी बात कही जा रही है। एक बार फिर भीमप्पा गड़द की कंप्लेंट से मामले को संजीदा बनाने की कोशिश जारी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब जल्द लोकसभा इंतखाबात होने हैं, 17 अप्रैल तारीख का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किया गया, पर जारकीहोली फैमिली पर सीडी का काला साया मंडरा ही रहा है। सभी जानते हैं कि रियासती सियासत में जारकीहोली फैमिली का अपना अलग मकाम है, पर इस सीडी मामले ने काफी हद तक इनके मकबूलियत पर असर जरूर हुआ है। जब कांग्रेस में तब भी और जब भाजपा में भी रमेश जारकीहोली ने अपना अलग मकाम रियासती सियासत में बना लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि वक्त के चलते लोग सब भूल जाएंगे, पर इससे पहले भी ऐसे कई मामले हुए, पर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले से काफी हद तक जारकीहोली फैमिली मुतासिर हुई। अगर कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली को टिकट दिया जाता है तो भाजपा का उम्मीदवार
उतना मुकाबला नहीं कर सकता जितना किसी और को कर सकता है, लेकिन रमेश जारकिहोली का रोब वहां होगा या नहीं इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर अब जब सीडी मामले में रमेश जारकिहोली को इस्तीफा देना पड़ा है, क्या रमेश जारकिहोली का चुनावी इजलासों में सरगर्म होना मुमकिन होगा? खैर, आने वाले चुनाव में इसका असर यकीनन देखा जा सकता है। चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर श्रीनगर में राघवेंद्र ज्वेलर्स नामी दुकान का तकरीबन 6-7 चोरों ने पूरी तरह से जेवरात पर हाथ साफ किया हुआ है। जब मालिक ने सुबह अपना दुकान देखा तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि क्या इस तरह भी चोरी हो सकती है। कहने का मतलब, तिजोरी रुपए जेवरात के साथ कुछ भी बाकी दुकान में नहीं रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक 16 तारीख को रात में दुकान बंद कर घर गए। दूसरे दिन सुबह आकर मालिक राघवेंद्र ने देखा दुकान के शटर को चोरों ने पूरी तरह से तोड़कर तमाम जेवरात और रकम तकरीबन 26 लाख की है पूरी तरह से गायब की हुई है। फौरन इन्होंने मालमारुति पुलिस थाने में फरियाद दर्ज कराई। मालमारुति पुलिस थाने के CPI सुनील पाटिल ने मौका वारदात पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। CCTV की केबल भी काटी गई। अक्सर यह भी देखा जाता है कि रकम को चोरी करने के बाद तिजोरी को अतराफ में कहीं पर फेंक दिया जाता है, पर चोरों ने इस तिजोरी को साथ में ही ले जाना पसंद किया। दुकान में कुछ भी न रखने की चोरी देखकर कुछ देर पुलिस भी हैरान रह गई। तहकीक जारी है, मामला भी मालमारुति पुलिस थाने में दर्ज किया गया। वैसे तो फेक खबरों का दौर जारी है। कभी लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैलाई जाती है, कभी कॉलेजेस को छुट्टियों का झूठा सर्कुलर वायरल किया जाता है। जब से ये सोशल मीडिया का दौर जारी है, झूठी खबरें भी काफी ज्यादा फैल रही। इसी तरह वह बोर्ड की जानिब से सुबह के अजान माइक पर ना देने की खबर भी अखबार न्यूज चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही थी। जब वह बोर्ड को इस ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 1886 में यह कानून बना हुआ है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक का इस्तेमाल न किया जाए, पर यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह तो तमाम मजाहिब के लिए है, हुक्म है, पर इस पर कहीं पर भी 1986 से अमल नहीं किया गया। लिहाजा एक ऑर्डर एक बार फिर दिया गया और लफ्ज अजान इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर कुछ अखबार वालों ने, न्यूज चैनलों ने और खासकर सोशल मीडिया पर अजान का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिससे एक तरह तश्वीशनाक माहौल बना। लिहाजा यह गलत है कि वह बोर्ड ने किसी तरह सिर्फ अजान को बंद करने का हुक्म, फजर की अजान माइक पर न देने के लिए कहा हो, ऐसा नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि किसी खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और खास तौर से अकलियती समाज के ताल्लुक से होता है, उसे और भी अलग शक्ल बनाकर पेश किया जाता है। मीडिया का ये काम ही है। लिहाजा किसी तरह लफ्ज अजान इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।